दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे भारत डायनामिक लिमिटेड द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो अकाउंट मैनेजर मैनेजर की पोस्ट की वैकेंसी निकली है, इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट में नोटिफिकेशन की जानकारी रहेगी और कंप्लीट डिटेल आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की मैं दूंगा, साथ में महत्वपूर्ण लिंक और नोटिफिकेशन की जानकारी के लिंक और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए नोटिफिकेशन है, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई लिंक है, ये आप देख सकते हैं 16/7 से लेकर 16/8 तक। यहाँ पे नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखते हैं आपको, देखिए सबसे पहले जानकारी ऑनलाइन फॉर्म से फिल करने से पहले यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पे BDL आपको देख सकते हैं, ऑफर चैलेंज रिवार्डिंग कैरियर डायनेमिक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टुवर्ड नेशनल बिल्डिंग फील्ड ऑफ स्ट्रेटेजिक डिफेंस इक्विपमेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो कि आप पोस्ट हो सकते हैं जो दिए गए आपके दे सकते हैं यूनिट में। यहाँ पे आपको यूनिट देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 16 जुलाई से लेकर और 16 अगस्त तक। जो पोस्ट है जनरल मैनेजर की Grade 8, ठीक है, वैकेंसी नंबर यहाँ पे देखते हैं कैटेगरीज वाइज है और सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं और CTC क्या रहेगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 1 आपकी रहेगी 2,60,000 और आपका डेप्यूटी जनरल मैनेजर सिविल 6 Grade 1 वैकेंसी 80 से 2,20,000, सीनियर मैनेजर सिविल आपकी 5 2 वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 से 2,00,000। मैनेजर आपके सीनियर मैनेजर एक्सप्लोजिव 3 वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजर आपका एक्सप्लोजिव 4th कैटेगरी 1 वैकेंसी 60 से 1,80,000, डेप्यूटी आपका मैनेजर 1 वैकेंसी 50 से 1,60,000, डेप्टी मैनेजर एक्सक्लूसिव यहाँ पे 4 वैकेंसी है 50 से 1,60,000, असिस्टेंट मैनेजर 1 वैकेंसी OBC और UR कैटेगरी में, ठीक है, यहाँ पे जो कि असिस्टेंट मैनेजर एक्सक्लूसिव की 3 है 40 से 1,40,000, जूनियर मैनेजर रशियन इंग्लिश ट्रांसलेटर 1 वैकेंसी UR कैटेगरी 30 से लेकर 1,20,000, 18 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट दे सकते हैं 10/6/2022 के अनुसार आपकी मैनेजर की 54 देर की UR कैटेगरी, बाकी कैटेगरी वाइज दे सकते हैं। डेप्यूटी मैनेजर जनरल मैनेजर 6 कैटेगरी 50, सीनियर आपका मैनेजर की 5 कैटेगरी ग्रेड 45, मैनेजर की 40, डेप्यूटी मैनेजर 35, असिस्टेंट मैनेजर की 28 और जूनियर मैनेजर की 28 रखी गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है, इनका क्या दे रखा है तो वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, देखिए विस्तार से बनाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें, ठीक है। यहाँ पे आपको सैलरी बेस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दे रखा है, जो भी ऊपर भी दिखा दिया था। यहाँ पे आप देखिए एनी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग इंडस्ट्री आपका वोकेशनल अप्रेंटिसशिप आपका कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस विल बी नॉट टेकन कंसिडर्ड, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे देखते हैं, पोस्ट जूनियर मैनेजर यहाँ पे इंग्लिश आपका बेस और रिटन टेस्ट, सिलेक्शन पोस्ट ऑफ मैनेजर डेप्टी जनरल मैनेजर सिविल यहाँ विल बी ऑफ इंटरव्यू होगा, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस रिक्वेस्टेड रिलेवेंट फील्ड के अनुसार, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट मैक्सिमम 1/10, यानी 1 वैकेंसी 10 लोग सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं एप्लीकेशन फीस की बात करें 500 रुपये है, ठीक है, जो कि आप पेड कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड UPI SC/ST फिजिक और एक्स सर्विस फॉर इंटरनल एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे एग्जाम्प्ट रहेंगे। जनरल कंडीशन दे सकते हैं आपके 10/6 अकाउंट के भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप काम कर रहे हैं कहीं पर आपका गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज में पब्लिक सेक्टर में तो NOC होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं जो दे रखी है और अगर आप बोलेंगे तो मैं फुल नोटिफिकेशन के साथ वीडियो बना दूंगा मैंडेटरी। यहाँ पे दे सकते हैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं आपका, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके बारे में दे सकते हैं, 16 अगस्त है यहाँ पर लास्ट डेट हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के साथ, यहाँ पे आप 23 अगस्त लास्ट डेट दे रखी है। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले किस तरीके से आवेदन करना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए लिंक पे सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए आपको सबसे पहले ये सब पढ़ लेना है, फोटोग्राफ किस दे रखा है,
और पढ़ने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। देखते मैंने सारी जानकारी अच्छे से पढ़ ली है, दूसरे में लिखा है फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट आर ऑलरेडी अपलोडेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उसको सेलेक्ट करें। मैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक। आपका एप्लीकेशन का नाम, फादर नेम, मदर नेम, फादर की आपकी या मदर की जो भी यहाँ पे आपकी विशन देंगे, मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताएंगे, प्लेस ऑफ डे आपके बर्थ, स्टेट यहाँ पे बताएंगे, ऑल इंडिया वैकेंसी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल, कैटेगरी यहाँ पे बताइए, यू आर, नेशनलिटी यहाँ पे बतानी है, ठीक है, नेशनलिटी यहाँ पे आप बताएंगे इंडियन, रिलीजन यहाँ पे आपका अपना बताएंगे, यहाँ पे आपको देखिए बताना फिजिकली डिसेबल यस या नो करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं, देखिए फिजिकल डिसेबल के लिए यहाँ पे नहीं है, तो जो भी जिस टाइप की कैटेगरी उसी के अनुसार करना है, एक्स सर्विस यस या नो करना है, टाइप ऑफ आपका देखिए आपके एक्स सर्विस में किस टाइप का आर्मी, ईयर ऑफ सर्विस यहाँ पे बताएंगे और मंथ यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे आप देखते हैं फिजिकली डोमिसाइल, यहाँ पे आप देखते हैं जम्मू कश्मीर यस या नो करेंगे, BDL के एम्प्लॉई ऐसे अनो करेंगे यस, यदि एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई मेरा SAP ID, अगर नहीं है तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है, ये आपका सब नो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस, यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFC कोड ऑफ ब्रांच का नाम, यहाँ पे हेयर बाई डिक्लेरेशन करेंगे, एड्रेस की जानकारी देंगे पूरी इस तरीके से, यहाँ पे आपको इस तरीके परमानेंट एड्रेस की, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पिन कोड देंगे, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जानकारी देने के बाद यहाँ पे अपनी हाई स्कूल की सबसे पहले 10th स्टार्ट करेंगे फुल टाइम, ठीक। यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम, परसेंटेज क्या है, ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे 12th की फुल टाइम यहाँ पे करेंगे, ठीक। इसी तरह स्कूल का नाम, परसेंटेज और ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे आपको देखिए UG का जानकारी देंगे, यहाँ पे आपको जो भी है यहाँ पे बता दीजिएगा, मैंने BTech मैकेनिकल कर लिया, स्कूल कॉलेज का नाम, परसेंटेज और ईयर ऑफ पासिंग, PG किया है तो फुल टाइम आपका उसकी जानकारी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पूरी जानकारी देंगे। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आपका जो है इसमें काम किया है तो यहाँ पे टेस्टिंग स्टोरेज यस यहाँ पे क्लिक करें, नॉलेज ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे, कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर है इसके बारे में यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपका शुड बी एबल टू कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग स्टैटिक फायरिंग एज पार्ट द एक्सपर्टेंस और क्राइटेरिया विच रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट, आप देखते जो आपको टिक करना है तो अपने अनुसार एक अब यहाँ पे टिक कर दें, नॉलेज केमिकल एनालिसिस विल बी एडेड एडवांटेज, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे आपके है उसकी जानकारी देंगे, डू हैव 1 year एक्सपीरियंस गवर्नमेंट PSU, यहाँ पे आप बता सकते हैं यस या नो, ठीक है, इस तरीके से, या यदि है तो यहाँ पे देखिए आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट केयरफुली यहाँ पे पढ़ना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर, नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ यहाँ पे आपके नेचर ऑफ किस टाइप है, गवर्नमेंट PSU यहाँ पे, पीएस के पीरियड कब से कब तक यहाँ कैलेंडर से लगे, ड्यूरेशन यहाँ पे काउंट हो जाएगा, नहीं है तो सिंपली नो कर दें, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू पोस्ट, तो यहाँ पे यस तक करना है, इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे, टर्म ऑफ कंडीशन डिक्लेरेशन आ रहे कैप्चा को फिल करेंगे और नेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है फ्रेंड, और कोई भी प्रकार का डाउट आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से डिटेल को फिल किया है, ठीक है, यहाँ पे आप मैंने सारी जानकारी फिल कर दी, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना अकाउंट डिटेल दे दी, यहाँ पे टिक कर दिया है, और अपने एड्रेस को कुछ इस तरीके से फिल करना है, ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करना है, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे आप बता सकते हैं सैलरी, ठीक है, और यहाँ पे आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हैं, जैसे कोई भी यहाँ पे सिर्फ सैंपल के लिए मैं भर रहा हूँ, आप लोगों को बताने के लिए किस तरीके से करना है, अपनी ओरिजिनल जानकारी का खुद अच्छे से तरीके से भरना है, ठीक है, तो आप डिटेल को चेक करते हुए यहाँ पे बता सकते हैं मैंने कोई HOD ले लिया सपोज दैट, ठीक है, पे स्किल यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल को फिल कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल नंबर नहीं दिया, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से देखिए आई हेयर बाई में यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको जो कैप्चा है उसको फिर से फिल करना है जो कि यहाँ पे दे रखा है, मैं फिल कर देता हूँ, और सबमिट या आप चाहें तो एडिट लगता है कोई गलती तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, एडिट या सबमिट अपने अनुसार, यहाँ पे एक बार आप
चेक कर ले अच्छी तरीके से सर। यहाँ पे आप दे दें कंटिन्यू पार्ट टू, तो यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल चुका है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पे चलता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए पेमेंट मोड देखने को मिलेगा, ऑनलाइन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, प्रोसीड टू पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए और उसके बाद आपको जो फोटोग्राफ है सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर तक ही मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। जैसे ही यहाँ पे आप अपडेट कर देंगे, अपनी फीस सबमिट कर देंगे और बाकी सब डिटेल कर देंगे, लास्ट डेट की तक आपको हार्ड कॉपी को सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 23 अगस्त 2022 तक जो मैंने आपको बताया था उस दिए गए एड्रेस पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, तो आपको सबमिट करना होगा। ये थी फ्रेंड जानकारी आपकी बीडीएल में निकली वैकेंसी के बारे में। लिंक सारे मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर मिलती रही। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने धन्यवाद।